सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? मेरा नाम अदिति, आप देख रहे हो इन द गेमिंग। सो आज मैं बना रहा हूँ एक आयरन फार्म। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आपको ये सब चीज़ें लेनी है, कोई भी एक ब्लॉक, एक बेड, एक साइन बोर्ड, एक फेंस का गेट, एक ग्लास, ये डेकोरेशन के लिए, और ये एक वर्किंग टेबल, ये दो डेकोरेशन के लिए, ये सब लेना है आपको। सो आपको क्या करना है, पहले आपको एक 5x5 का एक गड्ढा बनाना है, ऐसे वो ऐसे बनाना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। उसके बाद मैं इधर ये खाली है इसलिए इधर ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अभी मैं देख ये ब्लॉक लगा देता हूँ। उसके बाद अभी क्या करना है, इस तरफ भी एक 5 करना है, 1 तो है, ये 2, ये 3 4 5। अब आपको ये एक गड्ढा खोद लेना है, दिखाता हूँ गाइस आपको, ऐसे ऐसे खोद लेना गाइस, खोद लो जल्दी, ऐसे खोद लेना। खोल लेने के बाद आपको बीच का भी ये खोद लेना है, ऐसे बीच का भी खोद लेना आपको, ऐसे बीच का खोद लेना। उसके बाद आपको 9 ब्लॉक डीप गड्ढा करना है, 9 ब्लॉक डीप, ठीक है। अब आप बोलोगे कि वर्क क्यों, बहुत लोगों के वर्क नहीं करता बिकॉज ऑफ ये, क्योंकि ये विलेज में बनाते हैं। चलो 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं इधर एक ब्लॉक खोद के इधर ब्लॉक लगा देता हूँ जिससे पता चल जाए। और काम नहीं करता क्योंकि वो लोग ना, वो लोग विलेज में बनाते हैं, विलेज में वर्क नहीं करता। मैंने भी विलेज में बनाया था, विलेज में वर्क नहीं कर रहा था। अबे लास्ट में देखेंगे, मेरे वीडियो का लास्ट में देखना कि वर्क करेगा, वीडियो के लास्ट में वर्क करेगा। और आप ऐसे ऐसे कॉर्नर में ऐसे खोल दीजिए, ऐसे खोलने पर आपको पता चल जाएगा कि मतलब इधर ये कॉर्नर ख़त्म होता है। ऐसे चारों कॉर्नर में मैं खोद लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, मैंने चारों कॉर्नर में खोद लिया, अभी मैं इधर ये पूरा खोद रहा हूँ, आपको पूरा खोदने के बाद मिलता हूँ सीधे। सो गाइस, मैंने ये पूरा खोद लिया, आपको ऐसे ही पूरा खोद लेना है, एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐसे खोदना है क्योंकि इधर बेड रखेंगे, तो ऐसे एक बेड ऐसे रखना है, दूसरा बेड ऐसे रखना है, तीसरा बेड कुछ ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे आपको रखना है, उसके बाद बीच में कैसे रखना दिखाता हूँ गाइस, ऐसे रखना है चारों तरफ, ऐसे रखना, इधर भी ऐसे रखना और इधर भी, ये हो गया। अब आपको दूसरा, अब आपको कुछ ऐसे रखना है। सो गाइस, आपको कुछ ऐसे रखना है, इधर इधर एक, इधर दो ऐसे रखना है, इस तरफ भी आपको ऐसे ही रखना है, इधर रखना है आपको ऐसे, 1 2 3, ये गिल्दी होगी, तोड़ता हूँ, 3 और 5, ये हो गया। उसके बाद आपको ऐसे रखना, कुछ आपको कुछ ऐसे रखना है, इधर एक, अब इधर एक, इधर एक, अब हो गया आपका, बुक को कवर करना है। सो आपको वो ऐसे कवर करना है, ऐसे इधर से। सो गाइस, आपको मैं यहाँ से मतलब कवर मैंने कर दिया, कवर करने के बाद आपको कुछ ऐसे ये रखना है, कुछ ये सब चीज़ें, मतलब वर्किंग टेबल ये वाला ही रखना आपको, क्योंकि ये काम सबसे इजी है, ऐसे रखना है और ये काम सबसे इजी है, विलेजर लोग ऐसे इजीली कर पाते हैं ये वाला काम, ऐसा आपको करना है। मैं इधर 20 विलेजर डालूँगा क्योंकि मैंने 20 बेड लगाया। सो इधर आपको ऐसे रखना है, इस सबको 20 होता है और मुझे बुखार आया गाइस, और इधर आपको ऐसे रखना है, ऊपर का आपको इधर ऐसा रखना। अब आपको गाइस इधर विलेजर स्पॉन करना है, विलेजर। सो आपको ना ये विलेजर कभी नहीं स्पॉन करना, मतलब ये ग्रीन वाला आपको 20 स्पॉन करना है, इसके अंदर जितने भी बच्चे या ये ग्रीन वाला है ना, ऐसे नेदर कोई भी इससे मार दो, ऐसे बेकार है सबसे। तो मैं 20 विलेजर को स्पॉन करने के बाद मिलता हूँ, ये बच्चे को भी मार देना, बच्चे को भी मत छोड़ना, और वो नल्ला को भी नहीं छोड़ना, ग्रीन वाला, हाँ ऐसा विलेजर को लेना, ऐसे जो वर्क करते हैं, इसको मत छोड़ना, ऐसे मारना, ऐसे हट हट हट, ऐसे मरता क्यों नहीं, हाँ मर गया,
मैं स्पॉन करने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस मैं 20 विलेजर स्पॉन हो गए हैं। आपको इधर से कवर करना है। कवर करने के पहले ना आपको कुछ टॉर्च देना है, इधर टॉर्च देने कुछ। मैं इधर एक टॉर्च दे रहा हूँ, रुको जरा, ये रहा टॉर्च, वह नीचे टॉर्च दे देना है। टॉर्च देने के बाद ना मैं इसको कवर करने के बाद आपसे सीधे मिलता हूँ। सो गाइस मेरे से एक गलती हो गई है, मैंने कवर तो कर दिया, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर होगा इधर दो, और इधर ये एक ऐसा को होल होगा क्योंकि इधर चेस्ट रखना है। लेकिन मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ मैंने क्या गलती की है। इधर ये देखो गाइस, इधर पहाड़ है, मुझे यहाँ से निकलना था क्योंकि ये नीचे से है, मैं इसको कवर करना पड़ेगा अभी। मुझे मैं कवर कर देता हूँ, कवर कर दिया। पीछे का ये इसको तोड़ता हूँ, इसको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद इधर ये रखना है, उसके बाद इधर ये लगाना है, उसके बाद इधर ये मिडिल में ये खोदना है। आपको ऐसे खोद देना है, देखिए निकल भी गया, इसलिए बोल रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था इधर खोदने के लिए। सो ऐसे खोदना है आपको, ऐसे खोद देना, खोद देना, खोद। अब हो गया, अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्या करना है। आपको सीधे जाना है इधर, चल चल चल, इधर आ गया। आपको इधर कुछ मतलब पहले आपको चाहिए एक स्लैब, स्लैब ले लेना है। और अब क्या करना है मैं दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको इधर दो ब्लॉक डिप करना है। और मैं इधर से पहले चेस्ट और हॉपर ले लेता हूँ। चेस्ट और हॉपर लेने के पहले ये देखिए गाइस, दो आयरन गोलम स्पॉन हो गया, बोला ना आपको, दो आयरन गोलम स्पॉन हो गया। लेकिन आपको ना विलेज में नहीं बनाना है, जितना बोला मैं, विलेज के एरिया में बनाना नहीं, उससे दूर बनाना है, नहीं तो आपका ये आयरन गोलम स्पॉन नहीं होगा विलेज में। मैं इधर से हॉपर ले लेता हूँ, अब ये इधर से ऐसे लगा देता हूँ हॉपर को। दो लार्ज चेस्ट ले लेता हूँ, दो लार्ज चेस्ट अब ले लेता हूँ, दो लार्ज चेस्ट। अब आपको कुछ ऐसे लार्ज चेस्ट लगाने हैं, ऐसे लगा लिया। अब आपको क्या करना है, पहले तो इधर एक ब्लॉक लगाना है, इधर एक स्टोन कोई भी एक ब्लॉक लगाना है। सो गाइस आपको साइन, इधर एक साइन लगाना है, इधर एक साइन लगाना है। उसके बाद आपको ना इधर एक ब्लॉक लगाना है, और नीचे इधर आपको एक स्लैब लगाना है। स्लैब कहाँ गया, इधर है स्लैब, इधर ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद आपको लगा दिया। वैसे मेरा सामने मेरा कंप्यूटर खुला है, उसमें माउस में हाथ दे रहा था। वैसे अब आपको इधर ये लगाना है स्लैब, मतलब वो साइन फेंस गेट लग जा बै, खोल देना इसको। उसके बाद फिर से एक साइन, उसमें कुछ भी क्या सब हो रहा है, अबे गुस्सा आता है ना, अभी लोग गुस्सा नहीं आता क्या, हाँ गुस्सा नहीं आता, चलो कुछ क्या करे। ऐसे लगाना है, लगाने के बाद ऐसे उड़ के नहीं लगाना, बैठ क्राउच करना है, क्राउच करके ऐसे लगाना है। हो गया आपका। अब लगाने के बाद आपको ये नीचे वाला ये ब्लॉक को तोड़ना है, उसके बाद मिलता हूँ थोड़ा सा। तो आपको दो बकेट पानी चाहिए और लावा चाहिए, इधर मैं इधर लावा दे देता हूँ। लावा देने के बाद लोग इधर आपको पानी लगाना है, पानी पानी लगाने के बाद इधर भी एक पानी लगाना है, ग्लास लगा देता हूँ जल्दी से। ग्लास लगाने के बाद अब कोई आयरन गोलम, हट हट से हट, पानी देना है। पानी देने के बाद आपको आपको ऐसे करना है, ऐसे इधर एक ब्लॉक लगाना है। ब्लॉक लगाने के बाद देखो ऐसे काम करना है, ऐसे नीचे का जो है ना, तो मतलब कंप्लीट हो गया। आपको उसी पर ऐसे डेकोरेशन करना है, ऐसे डेकोरेशन करने से पहले जो ब्लॉक लगा था ना पानी के ऊपर, वो ब्लॉक भी आप तोड़ सकते हो। पानी के ऊपर पानी लगाने के लिए जो ब्लॉक लगा था वो आप तोड़ देना, किसी को जरूरत नहीं है। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।